अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों पटियाला में ड्यूटी कर रहे पंजाब पुलिस के जवान हरजीत सिंह पर कुछ निहंगों द्वारा हमला कर तेजधार हथियारों से उसका हाथ काट दिया गया था। हरजीत सिंह ने एक बहादुर पुलिस कर्मचारी होने का सबूत देते अपने कटे हुए हाथ को खुद उठाकर अस्पताल ले जाया गया था और बाद में PGI के डॉक्टरों की टीम द्वारा किए सफल ऑपरेशन से उसका हाथ फिर जोड़ा गया था। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर राज्य में चल रहे कर्फ्यू के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से लोगों की हिफाजत में पूरी तंदेही से अपनी ड्यूटी अदा की जा रही है। पंजाब पुलिस द्वारा DGP पंजाब दिनकर गुप्ता के दिशा निर्देशों और DSP गुरतेज सिंह संधू के नेतृत्व में आज थाना गिद्दरबाहा और थाना कोतभाई के अधिकारी और कर्मचारियों ने हरजीत सिंह के हौसले को सलाम करने के लिए अपनी वर्दी पर अपने नाम की जगह पर हरजीत सिंह के नाम की प्लेट लगा कर उसको सलाम किया व शहर में मार्च निकाला। सर जी, किस तरह का जो फ्लैग मार्च है, मैं हरजीत सिंह हाँ, की कहना चाहूँगा जी? ये फ्लैग मार्च ज्यादा स्पैशल सारे पंजाब के कहते जा रहे थे हरजीत सिंह तो परिवार को समुची पंजाब पुलिस जो फ्रंटलाइन पर ड्यूटी कर रहे उन्होंने हौसला अफजाई ली ताकि हरजीत सिंह परिवार को यह विश्वास दवाने तसली दवा अच्छ समुची पंजाब पुलिस समुची अफसरशाही सरकार वो परिवार के नाल खड़ी है तो दूजे मुलाजमान भी हौसला हो जो फ्रंटलाइन पर ड्यूटी कर रहे हैं कि अज समुची पंजाब पुलिस समुची अफसरशाही पंजाब सरकार उन्होंने नाल खड़ी है उन्होंने परिवारों के नाल खड़ी है उन्होंने हर तरह ना हिफाजत की जाएगी किसी तो कोई आँच नहीं होगी। सर किदां दा लगता जो तो कोई बंदा कानून नूं तोड़दा तो की उन्होंने की मैसेज देना चाहते हो? मैसेज बड़ा क्लीयर गया सारे पंजाब उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई हुई है किसी ने बख्शा नहीं गया तो सारे ने मैसेज जाता है कि जो कोई पंजाब पुलिस ना ड्यूटी करते कोई पंगा लूगा तो उधर किसी तरीके उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। गिद्दरबाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।